आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लौकी वाली दाल बनाने की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोल में तुअर दाल ले लिया है, जिसे अरहर दाल भी कहते हैं, इसे धो करके मैंने ले लिया है। इसे कुकर में डाल देंगे और साथ में इसमें एक टमाटर काट करके डाल देंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी लौकी ली है, उसे भी मैंने छोटा छोटा कट कर लिया है और इसे भी कुकर में डाल देंगे। अब यहाँ पे चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, एक चम्मच नमक, चौथाई चम्मच हींग और चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यूज़ किया है कलर के लिए। और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो जितनी सब्जियाँ हैं इसमें ना उतने बराबर में ही हमें पानी डालना है, मतलब एक कप पानी का आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब दाल बन जाए तो फिर आप अपने हिसाब से इसकी ग्रेवी, मतलब इसकी थिकनेस रख सकते हैं। तो बस अब ढक्कन लगा देंगे और हम इसे लो फ्लेम पे 2 से 3 सीटी आने तक पका लेंगे। तो 2 से 3 सीटी आ गई है और सीटी निकल भी गई है, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दाल जो है हमारी थिक बनी है और मुझे ऐसी ही दाल पसंद है तो मैंने थिक बनाया है। अब एक करछुल में 2 से 3 चम्मच तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल गर्म होता है हल्का सा, इसमें हम लहसुन डाल देंगे। 2 से 3 लहसुन को छोटा छोटा कट करके डाल दें। थोड़ा सा इसमें जीरा और बहुत थोड़ा सा ही राई डाल देंगे। जैसे ही इन सब का कलर चेंज हो जाता है, इसे हम कुकर में डाल देंगे ढक्कन को लगा करके। अगर आपको दाल और पतली रखनी है तो आप इसमें गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं। पानी को बॉयल कर लें और उसमें हल्का सा नमक डालकर इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो बस अब इसे हल्का सा हम मैश कर देंगे, जिससे इसमें जो टमाटर है और जो लौकी है वो थोड़ी सी मिक्स हो जाए, मैश हो जाए हल्का सा। और उसके बाद ये हमारी दाल जो है वो बन करके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, अब एक बोल में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे, या आप इसे सर्व भी कर सकते हैं। दाल चावल खाना काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।